नमस्ते साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विद्यालय का नाम है नो बैग डे एक्टिविटी लिखा हुआ है और 9 सितंबर 2023 का ये किसी महीने का दूसरा शनिवार है और दूसरे शनिवार की जो थीम होती है वह होती है भाषा कौशल एवं मूल्यपरक शिक्षा। हम प्रत्येक ग्रुपवार और इनकी गतिविधियों का और सीखने के प्रतिफलों का अध्ययन करेंगे और एक एक गतिविधि, एक या दो गतिविधियां यहाँ पर शामिल की गई हैं। निश्चित रूप से दावे से कह सकते हैं कि ये बहुत ही कारगर रहेगा आपके लिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें। यहाँ देखे गए तो 5 कॉलम हमने यहाँ रखे हुए हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा समूह है या कक्षा वर्ग, तीसरा गतिविधि का, चौथा सीखने के प्रतिफल और पाँचवा विशेष विवरण। हम देखते हैं पहला जो ग्रुप है अंकुर, जिसमें कक्षा 1 और 2 है, तो इसकी गतिविधि है चिट खोलो गुण बताओ। इस गतिविधि में सबसे पहले बच्चों को गोल घेरे में व्यवस्थित रूप में से बैठाया जाएगा। उसके बाद प्रभारी शिक्षक कुछ चीज़ों की फोटो प्रिंट लेकर उन्हें फोल्ड करके घेरे के बीच में रखे खाली डिब्बे या कनस्तर में रखेंगे। उसके बाद बच्चों के साथ मिलकर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100-100 में निकला धागा और चोर निकल कर भागा। यहाँ पर चोर शब्द की जगह आप अपनी सुविधा के हिसाब से कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तुकबंदी के हिसाब से एक एक बच्चे को बुलाएंगे और उससे एक चिट उठाकर फोटो की पहचान करने के लिए कहेंगे। पहचानी जाने वाली चीज़ के विषय में 3 से 5 बातें बताने को कहा जाएगा और बच्चे अपने स्तर के अनुसार बताएंगे। हमें फ़ोटो का चयन बच्चों की समझ और उम्र के हिसाब से करना है। इनमें अपने क्षेत्र के पशु पक्षी, फल या सब्जी, पेड़ पौधे, फूल या अन्य सामान्य चीज़ों की फ़ोटो शामिल कर सकते हैं। सीखने के प्रतिफल में ये रहेगा कि बच्चे अपने परिवेश की चीज़ों से संबंधित शब्दकोश विकसित कर सकेंगे, उनके विषय में जानकारी दे सकेंगे और नई जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। तो कुछ एक फ़ोटो आपके समक्ष यहाँ पर रखे गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं मोर की फ़ोटो है, क्योंकि मोर को सब बच्चे जानते हैं, ऊँट की लगभग जानते होंगे, बकरी की जानते हैं। हो सकता है आपका विद्यालय शहरी हो, यहाँ पर यदि किसी बच्चे कोई बच्चा इन चीज़ों से और अवगत न हो, अनभिज्ञ हो, तो आप दूसरे फ़ोटो अपनी सुविधा के हिसाब से लगा सकते हैं। दूसरा ग्रुप है प्रवेश, जिसमें कक्षा वर्ग है 3 से 5। इसमें गतिविधि का नाम है चित्रकथा या पोस्टर बनाओ। इस गतिविधि में बच्चों को एक समूह में बैठा कर एक कहानी और एक कविता सुनाएंगे। उसके बाद बच्चों को कागज़ पेंसिल देकर सुनी गई कहानी और कविता की घटनाओं पर एक या एक से अधिक चित्र या पोस्टर बनाने के लिए कहेंगे। बच्चों की सुविधा को मद्देनज़र रखते हुए 2 या 2 से अधिक बच्चों को समूह के रूप में भी ये काम दिया जा सकता है। यहाँ पर सीखने के प्रतिफल होंगे। बच्चे अलग अलग रचनाओं को पढ़ने, सुनने और समझने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो सकेंगे। तीसरा ग्रुप है दिशा, जिसमें कक्षा वर्ग 6 से 8 शामिल है। यहाँ पर प्रेरक फिल्म देखो और सवालों के जवाब दो। डॉक्टर कलाम, महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडिता रमाबाई, सावित्रीबाई फुले, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि और भी बड़े महापुरुष हैं, उनकी आप यहाँ पर जो प्रेरक फिल्में हैं वो जीवनी परक फिल्म दिखाने के दौरान बोध प्रश्न किए जाएंगे और फिल्म पूरी होने के बाद कुछ प्रश्न किए जाएंगे और बच्चों से व्यक्तिगत रूप से उनके जवाब देने को कहा जाएगा। मतलब हर एक बच्चा अपनी तरफ से जवाब देगा कि फिल्म में उसने क्या देखा, बीच में जो देखी वो चीज़ें वो लिखेंगे, माता का नाम, पिता का नाम, कहाँ जन्म हुआ, क्या किया आदि आदि। तो सीखने के प्रतिफल हैं। विद्यार्थी देखी सुनी गई चीज़ों का मूल्यांकन कर किए जाने वाले प्रश्नों के जवाब दे सकेंगे, स्मरण शक्ति का विकास हो सकेगा और एकाग्रता के साथ चीज़ों को देखना और उनका अवलोकन करना सीख सकेंगे। चौथा ग्रुप है क्षितिज, जिसमें कक्षा 9 से 10 शामिल है। यहाँ पर क्या होगा कि शब्द दो, कहानी लिखो। इसमें हम क्या करेंगे, बच्चों के समूह के सभी बच्चों को एक साथ बैठा कर प्रत्येक से एक एक शब्द बताने को कहा जाएगा और बताए गए जाने वाले शब्दों को प्रभारी शिक्षक महोदय बोर्ड पर लिखते जाएंगे। 30 शब्द होने तक 25-30-35 तक लिखते जाएंगे। उसके बाद सभी बच्चों को एक एक कागज़ देंगे और बोर्ड पर लिखे गए शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कोई कहानी, कविता, संस्मरण या कोई लेख इत्यादि लिखने को कहा जाएगा, जो सार्थक हो, निरर्थक नहीं। ये सभी शब्द उसमें शामिल हों, अन्य और कितने भी शब्द बच्चे शामिल करें उससे कोई एतराज़ नहीं है। सीखने के प्रतिफल हैं, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होगा और वे शब्द संयोजन का हुनर विकसित कर सकेंगे। पांचवा और अंतिम
ग्रुप है उन्नति, जिसमें कक्षा 11 और 12 शामिल हैं। यहाँ पर अपने अपने आदर्श के नाम से गतिविधि होगी। बच्चों को गोल घेरे में बैठाकर उनके आदर्श व्यक्तित्व या महापुरुष, अब यहाँ आदर्श व्यक्तित्व इसलिए अलग लिखा है क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे के दादाजी, नानाजी, माताजी, पिताजी, चाचा, चाची, वो उनके लिए आदर्श हो सकते हैं, या किसी महापुरुष के विषय में पूछा जाएगा। उसके बाद अपने आदर्श के बारे में उनसे कुछ लिखने को कहा जाएगा और अंत में सभी बच्चों के जवाब जो हैं वे प्रभारी शिक्षक महोदय अपने पास ले लेंगे और महापुरुषों के विषय में जो जानकारी या बच्चों ने अपनी तरफ से दे दी वो तो सबके सामने पढ़कर सुनाएंगे ही, अपनी तरफ से भी नई कोई अच्छी जानकारी है जो बच्चों के द्वारा दिए गए प्रतिवेदन में शामिल नहीं है तो उसे शिक्षक महोदय अपने हिसाब से बताएंगे। और इससे क्या होगा, बच्चों में समालोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा और वे अपने आदर्श व्यक्तित्व के विषय में और अधिक जानकारियों को जुटा सकेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में फ़िलहाल है इतना ही, अगले वीडियो में फिर इससे आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।